एक कृष्ण हुए, ये 25-25 सौ वर्ष का साइकिल था। फिर कृष्ण के बाद 2500 वर्ष बाद बुद्ध हुए, और अभी 2500 वर्ष पूरा होते होते फिर भगवान हुए। तो एक तो इस तरह के जो पुरुष हैं, शिव जैसे पूर्ण पुरुष, कृष्ण जैसे, बुद्ध जैसे, ऐसे जो गौरी शंकर हैं चेतना के, ये 2500 वर्ष बाद पैदा होते हैं, जब सूर्य किसी एक केंद्र का 2500 वर्षों में एक परिभ्रमण करता है। हमारी जो आकाश गंगा है, ये मिल्की वेव है, ये भी घूम रही है, और 2500 वर्ष इसे लगते हैं एक सर्किल लेने में। तो 2500 वर्ष के बाद एक सारे धर्म जगत में एक नया अध्याय शुरू होता है। कृष्ण ने शुरू किया, बुद्ध ने शुरू किया, शिव ने शुरू किया, भगवान ने शुरू किया। तो एक तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे इस युग में पैदा हुए जो धर्म के जगत में एक महाक्रांति का युग है। आप और भी भाग्यशाली हैं, देखिए आप अपने भाग्य को समझने की कोशिश कीजिए। आप में से अधिकांश लोग उस देश में जन्म लिए जहां ओशो का जन्म हुआ। आप तो उस प्रदेश के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं बहुत सारे लोग, जहां ओशो ने जन्म लिया, ओशो की लीला भूमि रही है हमारा वृंदावन। हम लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग ओशो ने दो भाषाओं में अमृत बहाया है। ऐसा वो उनके प्रवचन मत कहें, वो तो अदृश्य जगत के संगीत है। उनका प्रवचन जो है उसको प्रवचन कहना पूरा नहीं होगा, वो तो अमृत घोला है उन्होंने शब्दों में, तो दो भाषाओं में घोला है। एक पहली उनकी भाषा हिंदी है, जिसमें वो बुद्धत्व के बाद पहले 17 साल तो बिल्कुल हिंदी ही बोले, कुछ नहीं बोले 17 साल। 17 साल के बाद उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलना शुरू किया। तो आधा 81 तक एक महीने हिंदी बोलते थे, एक महीने इंग्लिश बोलते थे। तो 70 तक तो सिर्फ हिंदी बोला, और 70 के बाद 11 साल आधा हिंदी बोला, आधा इंग्लिश बोली। तो आप में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा समझते हैं, तो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, वो इंग्लिश भी जानते हैं और हिंदी आपकी भाषा है। तो आप में से अधिकांश लोग हैं जो दोनों भाषा समझते हैं, तो भगवान ने जो कहा उसको सीधा समझ सकते हैं। और आपके बीच ही लोग यहाँ बैठे हैं, विदेशों से आए हैं, रूस से आए हैं, यूक्रेन से आए हैं, दूसरे कंट्री से आए हैं, उनको कितनी कठिनाई आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं जो कह रहा हूँ वो भी नहीं समझ पा रहे, फिर भी कितने धैर्य से सुन रहे हैं, उसके प्रवचन को कितने प्रेम और धैर्य से सुनते हैं। हिंदी में हम प्रवचन लगाते हैं, इंग्लिश में, वो दोनों भाषाओं में नहीं समझ सकते। तो जब मैं विदेश गया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, तब मुझे पता चला कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हम सीधा उसों को समझ सकते हैं। और दुनिया की जो सिर्फ 1/3 लोग हैं, 1/3 से भी कम समझे, चौथाई लोग हैं जो समझते हैं ये दोनों भाषा, नहीं तो 3/4 लोग ओशो सीधा नहीं समझ सकते। 75% जो संसार की जनसंख्या है 7 अरब में, उनको ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ता है, ओशो की ट्रांसलेटिंग किताब पढ़नी पड़ती है, वो सीधा नहीं समझ सकते। और जब ओशो की वाणी जो संगीत है, जो कविता है, काव्य है, वो कोई गद्य नहीं है, साइंस नहीं है कि उसको आप ट्रांसलेट कर दीजिएगा, वो तो भगवान ने तो संगीत में गाया है, काव्य है, कविता में कहा है। तो कविता को जो आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो उसमें बहुत लॉस्ट हो जाता है, कविता ट्रांसलेट नहीं हो सकती है पूरी तरह, गणित हो जाता है, विज्ञान हो जाएगा। आप जो लोग पढ़ते हैं साहित्य उनको पता होगा, यू कैन नॉट ट्रांसलेट पोइट्री टोटली, उसका बहुत कुछ खो जाता है। गीतांजलि के ट्रांसलेशन हुए हैं बहुत भाषाओं में,
लेकिन जो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम करते हैं उन्होंने गीतांजलि समझने के लिए ही बंगला सीखी, क्योंकि बंगला में ही समझ सकते हैं, ट्रांसलेशन में खो जाएगा उसका 25%। तो भगवान की भाषा आप समझते हैं, आप कितने भाग्यशाली हैं। और जो लोग दोनों समझते हैं, जो ओशो ने इंग्लिश में कहा वो भी समझते हैं, जो हिंदी में कहा, उनके किस्मत की तो कोई अंत ही नहीं उनके भाग्य की। क्योंकि भगवान ने जो भी कहा है, बहुत कुछ कुछ कहा है जो इंग्लिश में कहा है, हिंदी में नहीं कहा है। जैसे विज्ञान भैरव तंत्र, अल्फा एंड ओमेगा, माय वे वे ऑफ द व्हाइट क्लाउड, ये इंग्लिश में ही कहा है। अद्भुत ग्रंथ है जो तीन मैंने नाम गिनाए। ऐसे ही कुछ ऐसी किताबें कही हैं जो सिर्फ हिंदी में, जिन खो जाए तीन पाइयाँ। गीता, अभी तक गीता का अनुवाद नहीं हुआ है दूसरी भाषाओं में, सिर्फ गीता का एक अध्याय भगवान का जो है, 18 अध्याय पर उन्होंने जो प्रवचन दिए, एक अध्याय इंग्लिश में अनुवादित हुई अभी तक, 17 अध्याय अनुवादित नहीं हुई अभी तक। तो पूरा संसार, सिर्फ भारत के लोग और नेपाल के लोग ही गीता का रस ले पा रहे हैं, सारा संसार भगवान ने गीता पर जो कहा है उससे वंचित है। अब धीरे धीरे ट्रांसलेशन की कोशिश की जा रही हो रहा है। तो आप जब अपने भाग्य को समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर फॉर्च्यून, योर प्रिविलेज, दैट यू अंडरस्टैंड बोथ द लैंग्वेज इन विच ओशो हैज स्पोकन। आपने कभी परमात्मा को इसके लिए धन्यवाद दिया? इतना बड़ा आपको सुविधा मिल रही है कि ओशो के हर शब्द को उन्होंने 10,000 प्रवचन दिए, रिकॉर्डेड प्रवचन है 10,000। तो आप जो यहाँ बैठे हैं इसमें से अधिकांश लोग दोनों भाषा समझते हैं, हिंदी भी समझते हैं, इंग्लिश भी समझते हैं। तो आप 10,000 प्रवचन को सीधा पी सकते हैं, उसका सीधा अमृत सुन सकते हैं। दुनिया के 75% लोग उसको नहीं सुन सक समझ सकते, ओशो के प्रवचन को नहीं सुन सकते, उनको ट्रांसलेशन पर निर्भर होना पड़ता है। उस ट्रांसलेशन में बहुत खो जाता है, ओशो को ट्रांसलेट किया ही नहीं जा सकता काव्य में उन्होंने कहा, फिर भी ट्रांसलेशन सुन के भी सारी दुनिया पागल है आज ओशो के पीछे। उनकी जो इटालियन भाषा में ट्रांसलेशन, फ्रेंच में, अब मैं सारी दुनिया घूमता हूँ तो देखता हूँ, फ्रेंच में सिर्फ 50 किताब ही ट्रांसलेशन हुई है, और 50 किताब पढ़ के ही लोग पागल हैं। रशियन में 200 किताब ट्रांसलेट हुई है, अभी 500 किताबें नहीं हो पाई है, लेकिन 200 किताब पढ़ के ही लोग पागल हैं। ऐसे जर्मन में, स्पेनिश में, ग्रीस में बहुत कम कम किताबें प्रकाशित, चाइनीज में थोड़ी सी किताब प्रकाशित। मैं जब भगवान की किताबें ट्रांसलेटेड होने लगी, कोरिया से एक सन्यासी आया था मेरे पास नेपाल में, उस समय कोरियन भाषा में एक ही किताब ट्रांसलेट हुई थी, तंत्र द सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग। वो ट्रांसलेशन भी जो हो रही है सिर्फ इंग्लिश से हो रही है, हिंदी से तो अभी हो ही नहीं रहा है। तो जो भी विदेशी की भाषाओं में ट्रांसलेट हो रहा है वो इंग्लिश से हो रहा है, हिंदी का तो शुरू ही नहीं हुआ है। तो एक ही किताब ट्रांसलेट हुई थी, तंत्र द सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग, और वो कोरिया से पढ़ के पागल होकर के संन्यास लेने मेरे पास आया था, बिल्कुल दीवाना हो गया एक किताब पढ़ के। तो मैंने उसे कहा कि वो भी ट्रांसलेशन, वो भी ओरिजिनल नहीं पढ़ा था बेचारा, कोरियन लैंग्वेज में कितना इतना अच्छा ट्रांसलेशन हुआ होगा मुझे पता नहीं। तो मैंने उसको कहा कि देखो 700 किताबें हैं, हम लोग सब पढ़ते हैं सुनते हैं, वो इंग्लिश भी नहीं जानता था हिंदी भी जानता था, एक किताब तुम पढ़ के इतने खुश हो, तुमको ऐसा नहीं लगता है कि यू आर डिप्राइव ऑफ सो मच बुक्स, सो मच नॉलेज ऑफ ओशो? 699 किताबें और हैं, 699 किताब तुम नहीं सुन पा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ चूक रहे हो? तो उसने मुझे कहा कि स्वामी जी मैं तो एक किताब पढ़ के ही पागल हूँ, और मुझे लगता है ये मेरी समझ के लिए बहुत ज़्यादा है, और इतनी किताब मैं अपने जीवन में उतार लूँ तो मैं मुक्त हो जाऊँगा, मुझे दूसरी कोई किताब पढ़नी ही नहीं, पढ़ने की कोई जरूरत। और सचमुच तंत्र द सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग जो पुस्तक है आप पढ़िए तो ऐसी ही पुस्तक है, दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट बुक। एक ही किताब अगर ठीक से आदमी पढ़ ले तो उसको दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको कह रहा था कि आप इतने सोए रहते हैं,
परमात्मा को कभी धन्यवाद ही नहीं देते हैं अपने प्रिविलेज के लिए, जो आपको मिला है खजाना, जो कृपा आप पर की है अस्तित्व ने। आप सोचिए आपका चाइना में जन्म हुआ होता तो आप सुन पाते भगवान के कैसे प्रवचन सुन पाते, मंगोलिया में जन्म हुआ होता तो आप समझ पाते नहीं। आपको कुछ लोग जो मंगोलियन में कितनी किताबें ट्रांसलेट हुई होगी, मुश्किल से 10-5, उतने ही में सीमित रहते मंगोलिया के लोग, या और भी दुनिया के जो देश हैं, साउथ अमेरिका के देश हैं, वहाँ लोग इंग्लिश भी नहीं जानते हैं, हिंदी भी नहीं जानते हैं, उनकी अपनी भाषा है जिसमें ओशो की एक या दो किताबें प्रकाशित हैं सिर्फ। तो आप उनके 700 किताबों, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उनको नहीं पढ़ पाता सारी किताब तो मैं कितना दरिद्र रह जाता, अगर मैं उनकी गीता नहीं सुन पाता समझ पाता, अष्टावक्र महागीता नहीं सुन पाता, माय वे ऑफ द व्हाइट क्लाउड नहीं पढ़ पाता, आई एम द गेट नहीं पढ़ पाता, तो मैं कितना दरिद्र रह जाता। तो परमात्मा ने कितनी कृपा की मुझ पर कि मुझे इंग्लिश भी थोड़ा सिखा दिया, हिंदी भी सिखा दिया, दोनों भाषाएं पर मैं उनकी किताब पढ़ सकता हूँ। आप भी बहुत प्रिविलेज्ड हैं जो दोनों भाषाएं सुन रहे हैं। आप इसके लिए जो भी परमात्मा देता है उसके प्रति किसी के मन में मैं अनुग्रह देखता ही नहीं हूँ, सिर्फ शिकायत भरी रहती है, ये नहीं मिला ये नहीं मिला, जो मिला उसको देखते नहीं हैं। ये कितनी बड़ी सुविधा आपको मिल रही है उसको समझने में कि आप दोनों भाषाओं में सुन रहे हैं उनको। बहुत सारे लोग आपके बीच यहाँ बैठे हैं जो मैं जो कह रहा हूँ कुछ नहीं समझ रहे, फिर भी कितने प्रेम से बैठे। तो पहले आंख बंद करके एक बार ओशो को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देने की आपकी आदत नहीं है मैं जानता हूँ, फिर भी आप आग्रह कर रहा हूँ कृपया करके आंख बंद करके ओशो को धन्यवाद दीजिए। इस युग में पैदा किया उन्होंने जो ओशो का युग है, इस भूमि पर पैदा किया जो ओशो की भूमि है, और दोनों भाषाएं समझाने की क्षमता दी जो ओशो की भाषा रही। तो परमात्मा को एक बार धन्यवाद दीजिए इसके लिए। साधारणतः हमें जो मिलता है उसके लिए हम बेहोश होते हैं, उसके लिए कोई धन्यवाद नहीं देता है। अब देखिए इस युग में भी पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में कितने, 1,20,00,000,000 के लोग हैं। कितने लोगों को ऐसा सौभाग्य है कि भगवान की तरफ मुड़ सके, बहुत थोड़े से लोग। अधिकांश लोगों का यह पुण्य ही नहीं है, अधिकांश लोगों के प्रति अस्तित्व इतना करुणावान नहीं है कि वो भगवान की तरफ मुड़ पाए। छत्तीसगढ़ की कितनी आबादी है, 2,20,00,000, और यहाँ 200 आदमी हम लोग मुश्किल से। तो इस 2,20,00,000 में भी लोगों का भाग्य नहीं है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ही भगवान जन्मे, यहीं उन्होंने रायपुर में पहली अपनी लीला शुरू की, लेकिन यहाँ के लोग कितने सोए हैं। मध्य प्रदेश के लोगों को कभी इस बात का गौरव है कि हमारे देश हमारे क्षेत्र में उसको पैदा हुए। मैं मध्य प्रदेश की डायरेक्टरी पढ़ रहा था अभी, ये टूरिस्ट डिपार्टमेंट निकाला है कौन कौन सी जगह घूमनी चाहिए, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जगह है, कहीं उसमें उल्लेख नहीं है जबलपुर का जहाँ उसको है, उस पेड़ का जिसके नीचे वो बुद्धत्व प्राप्त किए, उसका कहीं उल्लेख नहीं है कि कुचवाड़ा में जहाँ उनका जन्म हुआ। तो मध्य प्रदेश बिल्कुल बेहोश है, उसको जो मिला है उसके प्रति बिल्कुल बेहोश है, उसको कोई खबर ही नहीं है। आने वाले दिनों में लाखों लोग जब मध्य प्रदेश को इसलिए जानेंगे कि ओशो का यहाँ जन्म हुआ, और जितने लोग खजुराहो के मंदिर देखने आते हैं या जबलपुर में धुआंधार देखने आते हैं, उससे ज़्यादा लोग ओशो की जन्मस्थली देखने आएंगे, उस पेड़ को देखने आएंगे जिसके नीचे ओशो इनलाइटेड हुए। तो ये आपका सौभाग्य है, लेकिन इसके प्रति भी आप बेहोश हैं। हम सब लोग बेहोश रहते हैं, तो बड़े भाग्यशाली हैं आप। और इतना ही नहीं, आपके अंदर ऐसी प्रेरणा मिल रही है कि ओशो से जुड़े, ओशो का संन्यास लें, ओशो की दीक्षा लें। तो इसके लिए आपने कितना पूर्वजन्म में पुण्य किया होगा, ऐसे इच्छा नहीं उठती है, ये उनके ही अंदर में उठती है जिन्होंने पूर्व में बुद्ध पुरुषों का संपर्क किया है। आप पहले जन्मों में भी किसी बुद्ध पुरुष के आसपास रहे हैं,
किसी गुरु के साथ रहे हैं, इसलिए आपके अंदर ये इच्छाएं उठ रही है, नहीं तो उठेगी ही नहीं। लाख कोई चिल्लाए, जबलपुर में उनके साथ कितने लोग पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में कितने लोग उनके साथ काम किए हैं। खुद गढ़रवाला और कुछ बारह में जब मैंने शिविर किया तो हम लोगों को लोग हंसते थे कि तुम लोग नेपाल से इतना दूर से आए हो इस रजिस्ट के पीछे, हम लोग तो उसको देखे हैं, हमें तो उसमें कुछ नहीं नज़र आता है, तुम लोग नेपाल से इतना दूर से दूर आए हो, कितने तन कर रहे हो, उनको दिखाई नहीं पड़ा। तो आपका ये सौभाग्य कि आपको ओशो में कुछ दिखाई पड़ा, दिखाई नहीं पड़ा, आपके अंदर से प्रेरणा मिली कि उनकी दीक्षा लें, और उनकी ऐसी करुणा कि जिसके मन में भी दीक्षा लेने का भाव आता है उसको वे सर तो दीक्षा देते हैं। ऐसा पृथ्वी पर कोई गुरु कभी हुआ ही नहीं, इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप आज भी जाके अगर किसी सूफी संप्रदाय में दीक्षित होना चाहें तो 12 साल आपको प्रतीक्षा कराएगा। रामकृष्ण मिशन में आप संन्यास लेना चाहें, मिनिमम 12 साल आपको ब्रह्मचारी होकर वहाँ सेवा करनी है। योगानंद की दीक्षा संन्यास लेना चाहें तो कम से कम 12 साल आपको वेट करना होगा। इस्कॉन में सन्यासी होना चाहें आपको 20 साल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कोई भी गुरु तैयार नहीं कि आप आए फॉर्म भरा और आपको अपना शिष्य बना ले। इतनी चौड़ी छाती वाला पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति पैदा हुआ है, उसका नाम है ओशो। उतनी चौड़ी छाती किसी गुरु की नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि शिष्य बनाना फॉर्म भरना बड़ा आसान है। आप तो बेहोश हैं, आपने तो एक फॉर्म भर दिया दीक्षा लेने के लिए, आपको कुछ पता नहीं है कि आप दीक्षा लेते ही अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, अध्यात्म की सारी जिम्मेदारी और ओशो की हो जाती है, क्योंकि वो जाला हुआ है, वो होश पूर्वक है, वो आपको दीक्षा दे रहा है विथ फुल अवेयरनेस। तो अब आपकी आध्यात्मिक जिम्मेवारी पूरी ओशो की हो जाती है। जब तक आप जागेंगे नहीं, जब तक आप मुक्त नहीं होंगे, आपको ओशो को आपकी मदद करनी पड़ेगी। दीक्षा का ही मतलब है, इनिशिएशन इज ए बॉन्ड, इट इज ए एग्रीमेंट बिटवीन ए मास्टर एंड डिसाइपल। आप तो सिर्फ एक फॉर्म भर देते हैं और तैयार हो जाते हैं, उसके बाद पता नहीं कि अध्यात्म में कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, आपको मुक्त करना कितना कठिन कार्य है। और सिर्फ ध्यान में ही मुक्ति नहीं करनी है, आज से दिन से ओशो को आपकी सारी चीज़ देखनी पड़ती है, क्योंकि आपकी अगर आर्थिक स्थिति खाने को नहीं होगा तो आप ध्यान कैसे करेंगे, खाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। आपके पास अगर छप्पड़ नहीं हो तो ध्यान कहाँ करेंगे, आपके लिए छप्पड़ की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। आपके पास कपड़े नहीं होंगे तो कैसे ध्यान करेंगे, तो गुरु को कपड़े की व्यवस्था करनी पड़ती है। वो सब अज्ञात है, दिखता नहीं है। मास्टर का काम बहुत कठिन काम है, इसे लोग मास्टर बनने से डरते हैं, भागते हैं। जो गधे हैं वही जल्दी से बन जाते हैं कि हम इनलाइटेड हैं, आओ मेरे शिष्य बनो। जो महामूर्ख हैं जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, वही कहते हैं कि हम बुद्ध हैं और हम दीक्षा लो, हम भी तुमको बुद्ध बना देंगे। ऐसे बुद्धों की कमी नहीं है संसार में, जिनको इनको कुछ पता ही नहीं कि शिष्य बनाना कितनी बड़ी जिम्मेवारी। एक तो बुद्ध ही नहीं होते हैं पृथ्वी पर, बहुत कम होते हैं, और बुद्ध जब होते हैं तो सच्चा बुद्ध जो होगा वो 100 में 99 शिष्य नहीं बनाता है, चुप रह जाता है, या तो 90 तो बोलते ही नहीं है, पता ही नहीं चलेगा आपको कि कौन इनलाइटेड है, 90 तो बोलेंगे ही। 10 जो बोलते हैं उसमें से भी 9 डिसाइपल नहीं बनाता है, क्योंकि जानता है अंधे लोगों को डिसाइपल बनाना कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, उनको जगाना, वो जानने के लिए तैयार नहीं होंगे, अनेक उपद्रव करेंगे, अनेक मांग करेंगे, अनेक समस्याएं खड़े करेंगे। जैसे बच्चे को माँ पालना पड़ता है, गुरु को ऐसे ही शिष्य को पालना पड़ता है, छोटे बच्चे के ही तरह शिष्य को संभालना पड़ता है बुद्धत्व तक। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है मित्र, इसीलिए रमन महर्षि ने किसी को दीक्षा नहीं दी, अरविंद ने किसी को दीक्षा नहीं दी, कृष्णमूर्ति ने किसी को दीक्षा नहीं दी, प्रवचन दिया 10 गुरुओं में 90 तो मैं कह रहा हूँ, एक तो इनलाइटेड में ही दुर्लभ है। नकली इनलाइटेड में तो आपको हर गली में मिल जाए, यानी नकली बुद्ध तो हर गली में मिलते हैं, दो दो पैसे, एक मांगो तो 10 तैयार हैं, एक खोजो
get one, buy one, you will get three free. नकली लाइटिंग की तो कोई कमी ही नहीं है, उसमें भी आपके मध्य प्रदेश में और ज्यादा है. तैयारी खड़े हैं आपको इनलाइटन करने के लिए, बिल्कुल टाल ठोक के खड़े हैं. लेकिन असली बुद्ध तो कम होते हैं, हजार बहुत तपस्या करने के बाद कोई बुद्ध होता है, इनलाइटन होता है. इनलाइटन होने के बाद गुरु होने के लिए और उसको तपस्या करनी पड़ती है. और जो सदगुरु होते हैं, मैंने कहा 90 तो सदगुरु नहीं होते हैं, चुप रह जाते हैं. बहुत ऐसे इनलाइटेड लोग मिलेंगे आपको जो बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन आपके झंझट में पड़ना नहीं चाहते, आपके उपद्रव में चुपचाप अपना रहते हैं. 10 जो आते हैं वो भी सिर्फ प्रवचन देते हैं कि वो आपकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं होते. जिस रमन महर्षि ने किसी की जिम्मेवारी नहीं ली, जागृत बुद्ध पुरुष थे. कृष्णमूर्ति ने किसी की जिम्मेवारी, एक आदमी की जिम्मेवारी नहीं ली. शिवप्रिया ने एक आदमी की जिम्मेवारी नहीं ली. किसी को दीक्षित ही नहीं दिया, क्योंकि बहुत बड़ी बोझ है, कौन उठाए. तो जिसके अंदर बहुत करुणा है, बुद्ध जैसी करुणा, बुद्ध को कहते हैं करुणा के अवतार थे. तो बुद्ध जैसी जिसकी करुणा है वही शिष्य बनाता है. लेकिन बुद्ध भी इतनी आसानी से शिष्य नहीं बनाते थे, बहुत शर्त रखते थे, बहुत परीक्षा लेते थे. 3 वस्त्र ही रखना है, 12 बजे के बाद नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य साधना है, सब कुछ छोड़ देना है, उनके साथ चलना है. बड़ी कठिन शर्त थी बुद्ध की, तब वो दीक्षा देते थे. ये ऐसा बुद्ध आया पृथ्वी पर जो किसी की खोपड़ी में समझ में नहीं आ रहा है कैसा बुद्ध आया. इसको 100 साल लगेंगे लोगों को समझने में, ये कैसा बुद्ध पृथ्वी पर आया जो बिना किसी शर्त के सबको स्वीकार कर रहा है. आप मुझे एक मास्टर पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में दिखा दीजिए ओशो जैसा, तो मैं ये कहना छोड़ दूंगा कि ओशो अद्वितीय है. मैं सारी दुनिया में कहता चलता हूँ कि ओशो अद्वितीय है, अनपैरल है, वैसा मास्टर कोई हुआ ही नहीं. मैं सारी दुनिया में माइक से फूंक के करता हूँ. तो आप मुझे एक और बता दीजिए जिसने बेशर्त इस तरह से लोगों को स्वीकार किया है, तो मैं ये कहना छोड़ दूंगा. आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि कोई हो, लेकिन इसके लिए आपके प्रति, आपका ओशो के प्रति अनुग्रह होना चाहिए. इसके लिए ओशो के प्रति आपका समादर होना चाहिए कि कैसी करुणा उन्होंने की और कितना बोझ लेने के लिए तैयार है. शिष्य बनाना बच्चे पैदा करने से भी कठिन है, क्योंकि बच्चे आप पैदा करते हैं तो 25 साल में वो कमाने लगेंगे, तो वो आपकी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी, बल्कि बच्चे आपकी जिम्मेवारी उठाने लगेंगे, बेटा आपको पालने लगेगा, है ना. लेकिन शिष्य बनाना उससे भी कठिन जिम्मेवारी है, क्योंकि उम्र का कोई सवाल ही नहीं है. जब तक आप जागेंगे नहीं तब तक आपकी जिम्मेवारी बुद्ध को उठानी, उसों को उठानी पड़ेगी. और आपके लिए व्यवस्था इसी जन्म में नहीं करनी पड़ेगी. इस जन्म में आप नहीं जागे तो अगले जन्म में भी आपकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, मृत्यु के समय भी आपके सामने उपस्थित रहना पड़ेगा. तो इट इज सच ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ा है. अब जितना अंदर जाएंगे तो देखेंगे गुरु होना बहुत कठिन है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है. बहुत दुर्लभ करुणा का व्यक्ति गुरु होने के लिए तैयार होगा. और जो गुरु होने के लिए तैयार भी होते हैं वो बड़ी परीक्षाएं रख देते हैं. 12 साल की प्रतीक्षा, ब्रह्मचर्य, तपस्या, त्याग, इतनी कड़ी परीक्षाएं रख देते हैं कि उसको पास करके थोड़े ही से लोग आ पाते. ओशो ने मेन गेट खोल दिया है, इतना बड़ा गेट कभी नहीं खुला था. कोई भी व्यक्ति एक से फॉर्म भर करके दीक्षा ले, गुरु उसको पूरी संरक्षण, सुरक्षा, प्रेम देने के लिए तैयार है. ऐसा पृथ्वी पर कभी पहले आज तक मनुष्यता के इतिहास में कभी नहीं हुआ था. न कृष्ण ने इतनी हिम्मत की, न बुद्ध ने ऐसी हिम्मत की, न महावीर ने ऐसी हिम्मत की, न जीसस ने, किसी गुरु की ऐसी हिम्मत ही नहीं हुई कि इतना अपने को इन्वॉल्व करे. जब वो माला देते हैं तो आपके साथ वो इन्वॉल्व हो जाते हैं. आप माला पहन करके जो भी उपद्रव करते हैं उसकी गाली ओशो को पड़ती है, देखो ओशो का सन्यासी ऐसा कर रहा है. वो आपके साथ कमिटेड हो जाते हैं. अब लोग ओशो के बड़ी धारणा आपके व्यवहार को देख के बनाते हैं. आप अगर गलती करेंगे तो लोग कहेंगे देखो ओशो सन्यासी को देखो. तो इतनी बड़ी आपके साथ अपनी इज्जत कौन जोड़ेगा, कौन बुद्ध पुरुष जोड़ेगा, ओशो ही जोड़ सकते हैं. ओशो अनपैरेलल है,
ऐसा पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं हुआ था। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके मन में ओशो से जुड़ने की इच्छा हुई। जिनके मन में इच्छा हुई है, पूर्वजन्म में आपने बहुत दान पुण्य किया होगा, आपको याद हो ना हो, नहीं तो इच्छा ही नहीं जन्मती। यहाँ भी अभी बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे जो तमाशा देख रहे हैं, उनके मन में कभी इच्छा नहीं उठेगी, क्योंकि उनका पुण्य ही नहीं है इतना। इसके लिए बहुत पुण्य चाहिए। तो आप पुण्य कमा के आए हैं, आपको मैं ओशो के परिवार में स्वीकार करते हुए मैं आपको अपने आपके सौभाग्य की याद, ये आपका सौभाग्य है, याद रखिए कितने सौभाग्य आपके हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आज की शाम जो आपने निर्णय किया दीक्षा लेने का, ये पूरे जीवन को बदल देगा अगर आपने दीक्षा को निभाया। अब दो बात है फिर, दीक्षा लेना और दीक्षा को निभाना, क्योंकि एग्रीमेंट दो साइड से होता है। गुरु के तरफ से तो कॉन्शियस कमिटमेंट है, वो जागृत पुरुष है, उन्होंने आपको स्वीकारा तो सदा के लिए स्वीकारा, वो बेहोशी में नहीं स्वीकार रहे हैं, वो पूरे होश पूर्वक आपको स्वीकार रहे हैं शिष्य के रूप में। अब आपके तरफ से निर्भर करेगा, क्योंकि आपकी श्रद्धा रहनी चाहिए उन पर, आपका विश्वास रहना चाहिए, आपका प्रेम रहना चाहिए, और वो जो कह रहे हैं उसे करने की चेष्टा करनी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, मिनिमम बात कह रहे हैं, इतने कम कंडीशन तो किसी गुरु ने दी ही नहीं थी। वो क्या कह रहे हैं संन्यास के लिए, कह रहे हैं एक ध्यान रोज करो, उसी से तुम्हारा रूपांतरण होगा। आपके लिए कह रहे हैं एक ध्यान अपने 23 घंटा संसार को दो, कमाओ खाओ जो भी जैसे आनंदित होना चाहते हो उसमें, आपके सुख में ओशो जरा भी बाधक बनना नहीं चाहते, आपके पारिवारिक संबंध में, आपके व्यवसाय में, आपके आनंद में वो कुछ भी कटौती नहीं करना चाहते। कहते खूब मौज करो, खूब आनंद करो, मस्ती से जियो, सिर्फ एक घंटा अपने लिए निकालो, 23 घंटा संसार के लिए, एक घंटा संसार को बंद कर दो, एक घंटा संसार के लिए मर जाओ, ऐसा समझो कि संसार है ही नहीं, बस तुम अपने लिए एक घंटा निकालो अपने आत्मा की खोज के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए तुम कौन हो, एक घंटा निकालो। और उस एक घंटे के लिए उन्होंने 600 ध्यान की विधियां दी, बुद्ध ने एक विधि दी थी और गुरुओं ने एक या दो विधि दी। तो आपके गुरु ऐसे हैं कि आपको पता नहीं एक विधि रास आए ना आए, आप तो इतने चूजी हैं, कहेंगे डायनेमिक मुझे अच्छा नहीं लगता है छोड़ दो, तो करो नाथ ब्रह्म करो भाई, नाथ ब्रह्म भी अच्छा नहीं लगता है तो चक्रासाउंड करो, चक्रासाउंड नहीं अच्छा लगता है कुंडली करो। आपको इतना बड़ा मेनू दे दिया है कि आप कह नहीं सकते कि टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे दूसरा प्लेट लाओ। हमारे सन्यास बड़े चूजी हो गए हैं, बहुत लोग एक ध्यान में नहीं आएंगे, कहेंगे ना टाइमिंग मुझे सूट ही नहीं करता है, कोई कहेंगे ना ब्रह्म में नींद आ जाती है, कुंडली में कांपना मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़े चूजूजी हो गए हैं। ठीक है, आप चूजी हैं तो गुरु आपका, आपका गुरु घंटाला है, आपको 600 ध्यान देना है। भागो कहाँ तक भागोगे। तो ये बताइए कि किस गुरु ने संसार में 600 ध्यान की विधियां दी थी, एक भी गुरु का नाम दे दिए तो 600 ध्यान की विधियां जिसने दी थी, ओशो ने दी है, और 600 नई विधियां दी है, और पुरानी जो विधियां थी 112 विज्ञान भरत तंत्र को, उसको भी इतने सरल ढंग से समझाया, कल आपको सुनाया मैंने, तो पुरानी विधियों को भी जागृत किया और अपनी नई 600 विधि दी। आप मुझे मनुष्यता के पूरे इतिहास में एक आदमी भी ऐसा बता दीजिए जिसने अपनी विधि के अलावा दूसरे की विधि की चर्चा भी की हो। बुद्ध ने कभी कृष्ण की चर्चा की, महावीर ने कभी बुद्ध की चर्चा की, आप एक आदमी मुझे बताइए जो अपने अलावा दूसरे बुद्ध पुरुषों की प्रशंसा में इतने गीत गाता हो, उनकी विधियों को जीवित करता हो, उनके शास्त्र को की व्याख्या करता हो, एक आदमी दूसरा मुझे बताइए पूरी मनुष्यता के इतिहास में। तो मैं कहना छोड़ दूंगा कि ओशो अद्वितीय है। अगर आपको नहीं दूसरा मिल रहा है तो आप भी मेरे साथ कहिए कि ओशो अद्वितीय है। अंतर लगा है, ऐसा गुरु पृथ्वी पर कभी आया ही नहीं, इसका बोध, इसके प्रति हम बेहोश हैं, इसके प्रति हमें कोई होश नहीं है, इसके प्रति मैं आपको होश देना चाहता हूँ, अद्वितीय है व्यक्ति।
कभी पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति आया नहीं और पता नहीं अब फिर कभी आएगा कि नहीं। इसके लिए बहुत चौड़क छाती चाहिए। जैन धर्म में जन्म ले करके और सिख धर्म की बात करें, हिंदुस्तान में बैठ के जीसस की प्रशंसा करें और जरथुस्त की बात करें, बोधि धर्म की बात करें, एक ओशो ने मात्र किया है। सारे धर्मों को ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर कभी आया नहीं। मित्र, मैं तो बहुत अचंभित होता हूं, कभी कभी ऐसा लगता है कि सचमुच उनको देखा था, इन हाथों ने सचमुच उनके चरणों को छुए थे, यह सपना था। अभी तो विश्वास नहीं होता है। लोग कहते हैं ना, वेद व्यास व्यक्ति नहीं थे, जितना इतना शास्त्र लिखा ये एक कल्पना है। आने वाले 100 साल के बाद लोग ऐसे ही कहना शुरू करेंगे कि ओशो एक परिकल्पना है। कैसे एक आदमी 600 ध्यान की विधि निकालेगा, कैसे एक आदमी इतना प्रपंच करेगा, इतना नाटक करेगा। लोगों को भरोसा नहीं आएगा कि एक व्यक्ति से ऐसा हो सकता है। तो आप इस युग में पैदा हुए, बहुत लोगों ने ओशो को देखा है, बहुत लोगों ने उनकी लीलाएं देखी हैं, बहुत लोगों ने उनको सुना है। यू आर वेरी फॉर्चुनेट, आपके भाग्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। अब संन्यास की जो थोड़े से उनके सूत्र हैं वो आपको बता दूं। पहला सूत्र है कि बिना ध्यान के रूपांतरण नहीं होगा, सुन के नहीं होगा, क्योंकि सुन के आप समझेंगे ही नहीं जब तक ओशो का ध्यान जो नहीं करते। किताबें तो उनकी हर बुक स्टॉल पर बिक रही है, एच व्हीलर बेच रहा है, हिंदुस्तान के में नेपाल में कोई ही किताब की दुकान होगी जिसमें ओशो किताब नहीं बिकती है। अभी लोगों ने रिसर्च किया है, हर मिनट 3 किताबें ओशो की बिक रही है, 1 मिनट में, और हर दिन एक किताब प्रकाशित हो रही है किसी न किसी बाजार में। साल में 365 पुस्तकें ओशो पर छप रही हैं, हर दिन एक किताब छप रही है किसी न किसी भाषा में, उन पर लोग लिख रहे हैं उनके साथ गोल्डन डेज विद ओशो, या उनके साथ अपने संस्मरण लिख रहे हैं या उनके बारे में टिप्पणी लिख रहे हैं। तो हर दिन दुनिया के किसी न किसी देश में किसी न किसी भाषा में एक पुस्तक ओशो पर लिखी जा रही है, और हर मिनट 3 किताबें उनकी बिक रही है। 180 किताबें बिक जाती है हर घंटे में, है ना उनकी। लेकिन वो 180 किताबें जितने देर में बोलूंगा उतने देर में एवरेज 360 किताब बिक जाएगी संसार में। लेकिन उस 360 किताब को लोग समझ नहीं पाते जब तक ध्यान नहीं करें। अगर समझ पाए तो ओशो की दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे कोरियन मित्र ने कहा था, अगर आप समझ लें तो ओशो की एक पुस्तक अल्फा एंड ओमेगा है, शुरू से अंत है। दूसरी पुस्तक आप इसलिए पढ़ते हैं कि पहली आपने समझी नहीं। अगर आप ठीक से समझ लें, वन बुक विल ट्रांसफॉर्म यू। कोई भी किताब, ओशो की 700 पुस्तक है, उसे कोई भी किताब उठा लें और ध्यानपूर्वक उसको अगर आप पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे तो आपको दूसरी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आप दूसरी पुस्तक खरीदते हैं क्योंकि पहली आपने समझी नहीं। और वो समझ क्यों नहीं आती है, जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक ओशो के शब्द समझ में नहीं आएंगे। बड़ी गहरी प्रज्ञा चाहिए, बड़ा धैर्यपूर्वक चित्त चाहिए, बड़ी इंटेलिजेंस चाहिए, बड़ा मेडिटेटिव माइंड चाहिए उनको समझने के लिए। गौरी शंकर के शिखर से उन्होंने बोला है अष्टावक्र महागीता के, एक प्रवचन, पहला प्रवचन आप समझ लें तो दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तंत्र सुपरस्टैंडिंग की पहले 2 लेक्चर आप समझ लें तो तीसरे लेक्चर को छूने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातें उन्होंने कही है लेकिन कोई समझता नहीं, बेहोशी में पन्ना हुआ है। हम कैसेट चलाते रहते हैं, लोग 5 मिनट से भी ज़्यादा अटेंशन से नहीं दे पाते हैं कैसेट पर। 5 मिनट के बाद आपका दिमाग घूमने लगता है। तो ओशो सब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक हम शांत नहीं होंगे, जब तक ध्यान नहीं करेंगे। इसे ध्यान पर जोर है। अगर आपने ध्यान किया, एक ध्यान रोज किया, तो ओशो समझ में आएंगे, आपकी प्रज्ञा स्थिर होगी, आपकी प्रज्ञा शुद्ध होगी, आपके संस्कार शुद्ध होंगे, फिर उनके शब्द समझ में आने लगेंगे। तो मेरा आग्रह है मित्र, जो ओशो ने कहा था कि एक ध्यान रोज करो, ये अपने जीवन में हमारे लिए अनिवार्य शर्त है गुरु की। अगर इस शर्त को आप तोड़ देंगे तो एग्रीमेंट टूट जाता है, फिर मास्टर भी मुक्त हो जाता है। अगर आप ध्यान नहीं करते हैं तो वो कुछ काम आप नहीं कर पाता है, चाह के भी नहीं कर पाता है।
ये उसकी शर्त है। ये शुरू के पहले दिन से, संन्यास के पहले दिन से अंतिम दिन तक ये बात भगवान ने कही है कि एक ध्यान तुम्हें नियमित करना है। 23 घंटे आप संसार में जो भी कर रहे हैं उसमें ओशो का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, 1 घंटा अपने लिए निकालिए, पहली शर्त। और उसके बाद ये तो शर्त है भगवान की, और कुछ मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ जो आपको मदद करे, जो मेरे अपने 42 साल के अनुभव है कि आप उनको रोज आधा घंटा सुने। ये उसने शर्त नहीं रखी है, ये मेरा आग्रह है कि आधा घंटा रोज ओशो को सुने या पढ़े या वीडियो देखें, तो आपको ध्यान करने की प्रेरणा मिलेगी, नहीं तो आप ध्यान छोड़ देंगे। मैं इतना कितना भी चिल्लाऊं माइक पर आप सुनेंगे लेकिन आप ध्यान नहीं करेंगे, क्योंकि आपको रोज कोई रिमाइंड करने वाला चाहिए। रोज कौन मिलेगा, गुरु ही आपको कर सकते हैं। तो रोज आधा घंटा ध्यानपूर्वक उनको पढ़िए तो रोज रिमाइंडर मिलेगा, रोज वो प्रेरणा देंगे। एक काम कीजिए, अगर सुबह आप ध्यान करते हैं ठीक है, तो शाम में उनको आधा घंटा उनके तस्वीर के पास, उन्होंने समय भी दिया है, 7 बजे नहा धो के वाइट रोब पहन करके आप बैठ जाइए उस अपने ध्यान कक्ष में ओशो की तस्वीर के पास, और आधा घंटा उनको सुनिए या वीडियो देखिए या पढ़िए, जो भी आपको अच्छा लगता हो। दैट विल बिकम सेकेंड मेडिटेशन एंड वेरी गुड मेडिटेशन। एक ध्यान सुबह कीजिए और शाम में आधा घंटा सुनिए, और यू कैन डू अदरवाइज। शाम में आपको ध्यान करना मिलता है तो सुबह में आधा घंटा उनको सुनिए। ये मैं अपने तरफ से जोड़ रहा हूँ, अपने अनुभव से जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि जब तक आपको रोज ओशो याद न दिलाएं तो मैं जो कह रहा हूँ आप भूल जाएंगे। ये जो मैं कह रहा हूँ यही बात आपको ओशो को पढ़ेंगे तो रोज आपको प्रत्येक दिन ओशो प्रेरणा देंगे आपको ध्यान करने के लिए। उनके सारे प्रवचन ध्यान पर समाप्त होते हैं, कोई भी प्रवचन उठा लें घुमा फिरा के ले आएंगे मेडिटेशन पर, कहीं से भी कोई प्रवचन उठा लें उसकी उसका सार तत्व यही है कि आपको ध्यान करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आधा घंटा उनको रोज सुने ताकि रोज ध्यान करने के लिए आपको वो उकसाएं, प्रलोभन दें, आपको फुसलाएं, आपको समझाएं, हर तरह से आपको ध्यान की तरफ मोड़े। ये दूसरी बात। अब एक माला उन्होंने दी थी, ये बड़ा विवादित हो गया है क्योंकि अभी ओशो के सन्यासी 2 भागों में विभक्त हो गए हैं। एक तो जो मुझ पर भरोसा करते हैं, ऐसे 1 लाख लोग हैं जो माला पढ़ रहे हैं। एक दूसरे हैं जो मुझे बेवकूफ समझते हैं कि मैं पुराना पंथी हूँ और मैं मूर्ख हूँ। ऐसे लोग मेरे लाख कहने पर भी माला नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है जो मुझ पर भरोसा करते हैं उससे ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोग हैं माला नहीं पढ़ रहे हैं। अब जो माला नहीं पढ़ रहे हैं वो भूल जाते हैं कि ओशो ने संन्यास के साथ माला को जोड़ा था, और वो भी जो माला नहीं पढ़ रहे हैं उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि संन्यास दे बिना माला की। वो भी संन्यास तो देते हैं माला के साथ लेकिन खुद नहीं पहने रहते हैं, और उसको भी कहते हैं पहनना मत। फिर देते क्यों हैं, इसका उनके पास उत्तर नहीं है, चुप हो जाते हैं। तो ये माला जो है ये संन्यास की एक आवश्यक शर्त है, ये आपको ओशो से जोड़े रखेगी, ओशो के साथ आपको कनेक्ट रखेगी, आपकी अनेक तरह से रक्षा करेगी। मैंने आपको माला पर बहुत कुछ सुनाया है,